हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है भाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, अगर आपको राशन किट अभी तक नहीं मिली है सरकार की तरफ से, तो आपको भी मिल सकती है राशन किट। जी हां भाई, सरकार ने सभी गरीबों के लिए, जो गरीब की श्रेणी में आते हैं और ग्रामीण लोगों में ज्यादातर गरीब की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए सरकार ने राशन किट तैयार करवा ली है। लेकिन वो किट अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, क्योंकि उनके पीछे भी आपका ही हाथ है। आपको सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमको राशन किट चाहिए, तो आप तक राशन किट पहुंचेगी। जी हां भाइयों, सभी ग्रामीण इलाकों में जिनमें सरपंच सेक्रेटरी होते हैं, उनके खाद्य विभाग में राशन किट आई हुई है, लेकिन वो अभी तक ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है। तो भाइयों, वो किस प्रकार आप तक पहुंचेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। सबसे पहले सामने भाइयों वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, यहाँ से लाइक कर दें वीडियो को। फिर उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर तीर के बटन से शेयर कर दें। शेयर करते यहाँ पर फेसबुक या व्हाट्सएप, इन दोनों पर से किसी पर भी आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने के बाद भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, ये बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ये बेल आइकन निशान आएगा घंटे का, इस घंटी पर बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जैसा कि भाइयों आपको बताना चाहता हूं, अब भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर राशन किट नहीं पहुंची है और उनको राशन किट की जरूरत है। जी हां भाइयों, लेकिन आपको क्या काम करना होगा, एक ही सिर्फ आपको काम करना होगा, आपके जो ग्राम के सेक्रेटरी होते हैं और सरपंच साहब होते हैं, वहां पर आपको जाकर बोलना होगा कि हमें राशन किट चाहिए। जी हां भाइयों, जो खाद्य विभाग होता है, फूड डिपार्टमेंट, वहां पर सभी ग्रामीणों के लिए 1000 से लेकर 5000 राशन किट प्रति गांव के लिए सरकार ने भेजी है, और वो सारी की सारी राशन किट खाद्य विभाग में रखी हुई है। लेकिन वो ग्रामीणों तक किस लिए नहीं पहुंची, क्योंकि ग्रामीणों ने सेक्रेटरी के पास जाकर अभी तक आवेदन के लिए नहीं कहा है। जी हां भाइयों, आपको सेक्रेटरी के पास जाना होगा और एक गांव की लिस्ट तैयार करवानी होगी कि आपके गांव में कितने परिवारों को राशन किट चाहिए। जी हां भाइयों, जैसा ही आप ऐसे करते हो, आप सेक्रेटरी के पास अपने ग्रामीण की लिस्ट पहुंचवाते हो, तो सेक्रेटरी खाद्य डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य विभाग को ऑर्डर करके वो लिस्ट भेजकर अपने गाँव के लिए उतनी राशन किट मंगवा सकता है। तो मेरे सभी ग्रामीण भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब पर जाकर लिस्ट बनवाओ, ताकि आपके गांव में भी प्रति परिवार एक राशन किट पहुंच जाए। जी हां भाइयों, ये राशन किट सभी ग्रामीणों के लिए, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सरकार ने भेजी है, और वो अभी तक खाद्य विभाग में ही पड़ी हुई हैं। तो भाई, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सेक्रेटरी साहब से जल्द जाकर मिले और अपने गाँव के लिए भी राशन किट मंगवाए। अगर ये सहायता आपको हमारे द्वारा चाहिए और आप हमसे मदद पाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना नाम कमेंट कर देना, ताकि हम आपको राशन किट मुहैया करवा सके। दूसरी बात, अगर आप शहर के रहने वाले हो, तो भाइयों शहर में ये काम गया है नगर निगम को। जी हां भाइयों, नगर निगम और कलेक्टर साहब सभी क्षेत्रों की सर्वे कर वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने गरीब लोग हैं, उनको राशन किट मुहैया करवाने के लिए नगर निगम शहर के गरीब क्षेत्रों की लिस्ट बनाकर वहां पर राशन किट मुहैया करवाएगी। तो आप जल्द जल्द नगर निगम में जाके मिले अगर आपको राशन किट चाहिए, और कलेक्टर साहब पर भी आप अर्जी लगा सकते हो, ताकि कलेक्टर साहब आपके क्षेत्र की सर्वे कर आपको राशन किट मुहैया करवा सके। जी हां भाई, ये राशन किट सरकार बिल्कुल फ्री मुहैया करवाएगी, आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो इसलिए भाइयों, आप हमें कहां से देख रहे हो और आपको भी राशन किट चाहिए, तो आप अपना नाम तुरंत कमेंट कर देना अपने जिले या राज्य के साथ, ताकि हम आपकी पूरी पूरी सहायता करके आपको भी राशन किट मुहैया करवा सके। और साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, सरकार जनधन खातों में 500 रुपए की राशि 3 महीने तक डालेगी, क्या आपके खातों में 500 रुपए की राशि आई है या नहीं आई है, या फिर आप हमारे द्वारा 500 रुपए की राशि सहायता पाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना अपना नाम, ताकि हम आपकी पूरी पूरी सहायता कर सके। और जो भाई हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा, उसकी सहायता हम जल्द जल्द करेंगे, इसलिए वीडियो को 5 से 6 ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो पूरे देश तक पहुंच जाए। तो भाई, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।